राधा स्वामी सत्संग व्यास की जमीन पर कब्जे से रोकने पर क्यों हमलावर हो जाते हैं निहंग? आखिर क्यों पुलिस उन पर कार्रवाई से बचती नजर आ रही है? क्यों ज्यादातर मीडिया इस सच को दिखाने और बताने की बजाय गोलमोल खबरें दिखा रहा है? क्यों पशुओं की आड़ में कब्जे की कोशिश करते हैं निहंग? हमें जो पता चला है वो आपको भी बताएंगे। जी हाँ, जानकारी मिली है कि पिछले कुछ दिनों से डेरा ब्यास के स्वामित्व वाली पुराना मैरिज पैलेस यानी कि मैजिक लैंड पर कई बार कब्जे की कोशिश हुई है और आरोप है कि निहंगों का ग्रुप जमीन पर पशुओं को लेकर पहुंचता है। रविवार शाम को भी कुछ निहंगों ने एक बार फिर पशुओं की आड़ में राधा स्वामी सत्संग घर की उसी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और कुछ लोग वहां जाकर बैठ गए, जिसका सेवादारों ने विरोध किया। बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से इस दौरान कहासुनी भी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी बीच पहले से ही तैयार और हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे निहंगों ने डेरा ब्यास के सुरक्षा अधिकारी पर हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां बड़ी संख्या में एकत्र हुए सेवादारों ने न केवल अपना बचाव किया बल्कि उन्हें वापस खदेड़ दिया। इस दौरान घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय पुलिस कर्मियों को भी निहंगों ने नहीं बख्शा बल्कि उन पर भी हमला किया, जिसमें डेरा ब्यास के सेवादारों और पुलिस कर्मियों सहित दर्जनों बंदे घटना में घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। डेरा की ओर जाने वाली सड़कों पर फिलहाल पुलिस बल तैनात किया गया है। सोमवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिरीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने ये तो माना कि निहंगों का एक समूह अपने मवेशियों को चराने के लिए डेरा परिसर में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन राधा स्वामी सत्संग व्यास के अनुयायियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद ये घटना हुई। घटना की जांच की जा रही है। जो भी लोग घटना के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी दूसरे के परिसर में घुसने और पशुओं को चराने की आड़ में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करना और हमला करने वाले क्यों दोषी नहीं है? मीडिया ने जब पूछा कि हमलावर निहंग वहां हथियार और बंदूक लेकर क्यों गए थे, जिसको पुलिस अधिकारी ने सहजता से टाल दिया कि अभी जांच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि पुलिस अधिकारियों का प्रदेश में या देश में अमन भाईचारे के लिए ये कहना उचित है कि दोनों पक्षों में किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक या अन्य विवाद नहीं है, केवल ये जमीनी विवाद है। लेकिन ऐसा हो भी कैसे सकता है? राधा स्वामी सत्संग व्यास सभी धर्मों का आदर सत्कार करता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, किसी से किसी भी तरह का कोई विवाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस ने इस घटनाक्रम में अभी तक 3 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें कुछ नामजद के अलावा सैकड़ों की संख्या में अज्ञात के नाम भी लिखे गए हैं। देखिए किसमें क्या लिखा गया है। स्थानीय खबरों में छपी रिपोर्ट के अनुसार पहली FIR पुलिस ASI बलविंदर सिंह ने ब्यास थाने में दर्ज कराई। इसमें 4 सितंबर को शाम 4:30 बजे हुई घटना का ब्यौरा दिया है। उन्होंने बताया कि मैजिक लैंड की जमीन पर निहंगों और डेरा समर्थकों की भिड़ंत में घायल हुए SI दविंदर कुमार को उन्होंने अपनी पीठ पर लादकर एम्बुलेंस में डाला था। उनके सर में गहरी चोटें आई थी। हमलावरों ने सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की थी। दविंदर कुमार को पहले बाबा बकाला और बाद में अमृतसर के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। पुलिस ने दविंदर के बयान भी दर्ज किए हैं। दूसरी FIR तरन तारन के थाना बेरोवाल के गांव अल्लेवाल निवासी जसमीत सिंह उर्फ रिंका ने दर्ज कराई। रिंका ने पुलिस को बताया कि शाम करीब 3 से 4 बजे बाबा पाला सिंह गोशाला छावनी बाबा बकाला साहिब के जत्थे के साथ गाय चरा रहा था। उसके साथ प्रगट सिंह, बुद्ध सिंह,
गुरसेवक सिंह और बाबा सुखा सिंह समेत कई अन्य सेवादार भी थे। वह वहां सेवा कर रहे सिंहों को पानी पिला रहे थे। बता दें कि तो निर्मल सिंह और डेरा ब्यास के सिक्योरिटी अफसर व परमजीत सिंह तेजा सेवा मुक्त एसपी पंजाब 300 से 400 समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में प्रगट सिंह, बुद्ध सिंह, गुरसेवक सिंह, बाबा सुखा सिंह घायल हो गए। तीसरी एफआईआर गुरुग्राम निवासी सुमित ग्रोवर ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 4 सितंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे कुछ गांव के निहंग पुराना मैरिज पैलेस मैजिक लैंड में बैठे थे। ये जमीन अभ्यास की संपत्ति है। उन्होंने डेरे के सिक्योरिटी अधिकारी परमदीप सिंह तेजा व कुछ अन्य डेरा समर्थकों के साथ निहंगों को वहां से जाने को कहा। शाम करीब 4 से 5 बजे निहंग जमीन से तो बाहर चले गए, लेकिन गेट के सामने बैठ गए। इस दौरान ही अन्य निहंग वहां आए और गाड़ी से बाहर निकलते ही सुखा सिंह निहंग ने ललकारते हुए डेरे के सुरक्षा अधिकारी परमदीप सिंह तेजा पर हमला कर दिया। जब सुमित सुरक्षा अधिकारी तेजा को बचाने आगे बढ़े तो उनके सिर पर भी तेज धारदार हथियार से वार कर दिया गया। इसके बाद निहंगों ने उसके साथ साथ डेरे के सेवादार बलवंत राय, जयप्रकाश और मोहित बत्रा पर भी हथियारों से वार किए, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई। निहंग सुखा सिंह ने उन पर सीधे फायर किए तो सुरक्षा अधिकारी परमदीप सिंह तेजा ने सेवादारों की रक्षा के लिए हवाई फायर किए तो सभी निहंग अपने हथियारों के साथ मौके से फरार हो गए। इन एफआईआर की भाषा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेरा ब्यास के लोगों ने निहंगों पर हमला नहीं किया है, बल्कि अपना बचाव किया, जो कि सभी का अधिकार है। लेकिन पुलिस के इस दबाव में ये कहने से घबरा रही है कि शांति और भाईचारे के प्रतीक डेरा अनुयायियों पर हमला करने वाले और बार बार डेरे की जमीन पर कब्जे करने की कोशिश करने वाले धार्मिक नहीं बल्कि अपराधी लोग हैं और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।